ब्रह्मं विशोयुज्युतिः परकाविदानं या नागदेन विदिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि साधु साधु साधु। नमो बुद्धा साथियों, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, देखिए मुंडन संस्कार में कैसे कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पर देखिए पूज्य पंथी के द्वारा इस देखिए इस बच्चे का मुंडन संस्कार हुआ है और इस परसा बहुत बिहार पर लोग आए हुए हैं और यहीं पर कराए हैं। यहाँ पर पूज्य पंथी जी के माध्यम से शासन कृति किया गया और बहुत अच्छा लगा। हम इसको आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहते हैं और इससे एक बहुत बड़ा धम्म संदेश भी जाएगा जो अपने समाज को कि लोग मुंडन संस्कार कराते हैं ज़रूर, लेकिन उसमें दूसरे तरीके से कराते हैं और ये संस्कार कितना अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा देखने में। और इसमें थोड़ी सी हम जानकारी भंथी जी से भी प्राप्त करना चाहते हैं इस संस्कार के बारे में। जी मंगल, आपने अभी इस बच्चे के मुंडन संस्कार में आपने जो पाठ पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। हाँ, इसके पाठ में ऐसा है कि भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। जैसा भगवान ने देखो जो चिंचा थी उसको संतेन सोमविदना उसको उपदेश दिया और उसको बोला कि तेरी गलती नहीं है, और किसी ने किया है तो तुझे क्षमा किया है। फिर एक यक्ष था, वो भगवान को ऐसा सताता था। भगवान ने बोला कि देख तू ऐसा मत कर, ये तुझे ये योग्य नहीं है, तू केवल भगवान बुद्ध के बारे में सोच, तेरा कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा को बोला है उसने भगवान ने कि तू अंधा है, तुझे क्या पता है, तू कुछ जानता नहीं है। और भगवान ने भी उसको क्या है ज्ञान से संदेश दिया है। ऐसा अनेक प्रकार के आठ प्रकार के जो है ना ये उपदेश वो जय मंगलाष्टकाता बोलता है, उससे इसे पुत्र को आशीर्वाद दिया गया है, ऐसा है। चलिए अच्छा, बहुत हमें अच्छा लगा ये आज का कार्यक्रम। और हमारे इसमें कोई कर्मकांड नहीं होता है, किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं होता है, न उनको नया कपड़ा पहनना जाता है, बच्चों माता पिता को कोई ऐसा कुछ नहीं है। केवल उसका बाल काटा जाता है, उस टाइम इतना बोला जाता है केसा लोमा नखा दंता तचो, ये तीन बार बोला जाता है। फिर बाद में उसका मुंडन किया जाता है, फिर उसको जो नहाना धोना तो होने के बाद फिर हम लोग प्रथम भगवान को आह्वान करते हैं कि ये भगवान का हम जो संदेश दे रहे हैं सभी देवताओं आओ और ये सुनिए, ऐसा। का नाम? अरुण कुमार। आप कहाँ से हैं? परसा से हैं। अच्छा, ये आपने मुंडन संस्कार आज ही किया है, हमें बहुत अच्छा लगा कि जो तमाम ढोंग आडंबर को छोड़ करके अंधविश्वास को छोड़ करके ऐसे संस्कार में आए, बहुत अच्छा लगा। तो आपकी ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? हम लोग के जो यहाँ परसा बल बिहार के जो न्यू डाले थे जोड़ और बोलो भंते जी क्या नाम था नहीं भंते जी क्या नाम था ज्ञानेश्वर जी, वो हमारे गुरु थे और हम लोग उन्हीं के प्रेरणा से धर्म में जुटे थे और धर्म की सेवा कर रहे हैं और आडंबर से दूर होकर। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं पूज्य गुरु भदंत ज्ञानेश्वर जी जो कुशीनगर से आए थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली और उन्हीं की प्रेरणा से हम आज ये संस्कार किए। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपको हमारे चैनल पर आने के लिए और मुझे भी मौका मिला ये सब आपको दिखाने का मौका मिला। आज यहाँ कठिन चिवरदान कार्यक्रम था, इसी कार्यक्रम में हम भी आए और आप लोग भी एक कार्यक्रम के बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत बहुत साधुवाद। और एक फिर भंथे जी से, भंथे जी आपने बहुत अच्छा उपदेश दिया, इसके लिए हम कोट कोट साधुवाद और बंदाम भंथे जी मंगल सुखी हो कल्याण।